देवा आदित्या पंच जना द्वितीजा तमद्रजान त्वं मां द्यौ शान्तिरन्तरिक्षकौ शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरूखदया शान्ति वनपतया शान्तिर्से देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगौ शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेदि ओम शान्ति शान्ति सुख शान्तिर्भवतु। ओम गणेश 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 ओम सुमुखा चे कंसस्य कपिलो गजगणका लंबोधरस्य विको विनाशो विनायका धूम्रकेतुरुगणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननं द्वादशेतान् नमानि पठेन्नरा न जम विद्यारम्भे वाहे च प्रवेशा निर्वेदता संग्रामे सन्ते चे विनत सृजायते शुक्लाम्भरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्याये सर्वविघ्नोपाशान्ते गौरी नारायणे नमस्ते सर्वदा सर्वकार्यासु नाशं मंगलम एकादशो भगवान मंगलाय तनुवरे तदेव लग्नं तदेव तारावलं चंद्रबलं तदेव लक्ष्मीपते श्रमामि यद्वियोगेशं कृष्णो धनुराशि विजयो भूताध्वनितम् सर्वे श्रम्भकार्याशु त्र्यम्बके भुवनेश्वराय देवां दिशन्तं ब्रह्मेशानं जनार्दनं दुर्गाध्यक्षं गणाधिपते श्री गोविन्दं श्रीश्री तारकेशं महादेवं हनुमन्तं महाबलिं भैरव हर्षनाथं पुनीतं गाल्वाश्वं पुष्टं सन्दमदे सर्वकार्यासिद्धे। बोलो ओम महागणाधिपते नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याय नमः। श्री उमा महेश्वराभ्याय नमः। श्री सचिन्द्रावृन्दाभ्याय नमः। वाणी हरिर्वाभ्याय नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। अपने माता पिता के चरण कमलों का ध्यान करें। एतत् क्रम प्रदान देवताय सांगाय साधुदा शक्तिकाय नमो नमः। ओम हरि ओम गणानन्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनन्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमज निगर्वधम त्वमज शीघ्रवधम। ओम गणपते नमः। ऋद्धि सिद्धि सहिताम श्री गणेशाय नमः। गौरी पद्मा सचि मेघा सुमित्री जया दिवसेना सदा लोक मात्रा गतिम पुष्टिमात्मनाम कुलदेवताम सत्स्वरूपमात्रिकाभ्यो नमः। सद्गत मातृकाभ्यो नमः। नव दुर्गेभ्यो नमः। कुलदेवी नमः। आपके जन्मदिन है ना सर, बधाई। ओम कुलदेवी नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुर शुक्र शनि राहु केत्वा सर्वे ग्रह शांतिकरं भवन्तो। ओम ब्रह्मा जगन्म प्रथम पुरस्ताद सीमता श्रुचो वेनाग्रम ब्रह्मणे नमः। ओम सहस्र श्री रेखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्र पाद सभौमिघुं सर्वतत्वा तत्सदशांगुलम्। ओम नमः संभवाय तमयोभवाय नमः। शंकराय च मस्कराय नमः। शिवा शिवतराय नमः। श्रीश्चते लक्ष्मी च पतिज्ञापहो रात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपाण्यातम् इष्टान्निकाणा मुम्मायिखाणा सर्वलोकं मायिखाणा। ओम असंख्याता सहस्राणि देवद्रा अधिभूम्याम् देखागुसहस्रयोजने वधन्मानि धन्मति। ओम सर्देवेभ्यो नमः। अर्घ्यमाचनमिष्ठानं समर्पयामि नः। ओम वरुणशोतं वरुणशाकं वदन्तं पञ्चामृतिष्ठानं समर्पयामि नमः। शुद्धवालावस्थान उपवस्थान समर्पयामि नमः। ओम ओखधि प्रतिद्वं पुष्पमति प्रसवतरोद्धाः प्रण्याः नवेद्यामि समर्पयामि नमः। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षकौ श्रीरक्षोदौ पद्भ्यां भूमिदिशा गोत्र तथा लोकान् आगमन विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागानिनाय सुतशार्पयभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। यासीं सकृतनां भवनेश लक्ष्मीं पापात्मनां कृतिधियां हृदेश बुद्धे श्रद्धा सतां कुलजनं प्रबलाश्च लज्जा तां त्वां नतां सपरिवाल देवि विश्वम्
पत्रं पुष्पं फलं तोय रत्नाद्विविधानि च ग्रहणार्घ्यं मया दत्तं देहि मे वाञ्छितं फलं रूपं देहि जयं देहि भाग्य भगवति देहि पोत्कां देहि दन्देहि सर्वकामाक्षां देहि मे फलेन फलितं सर्वलोकजागरं फलार्घ्या प्रदानेन सकला सन्तु मनोरथा। अब मैं जैसे तिलक करूँ ना, आप सब ने पुष्प की वर्षा करना। तो मंत्रोच्चार के बीच विधिवत तरीके से पूजा अर्चना के साथ ये आगाज हुआ है। ये आगाज हुआ है प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के आगमन का। उनके कुर्सी संभालने की ये तस्वीरें हैं, जहां पर ये तस्वीरें इसलिए भी खास हो जाती हैं क्योंकि इन चेहरों को देखिए। भजनलाल शर्मा के चेहरे को तो आप देख ही रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन वो बाकी चेहरे बीजेपी के जिन्होंने 5 साल में सड़क पर संघर्ष किया, तब जाकर इस एकजुटता से सभी लोग यहां आज मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी पार्टी के नेता को काबिज करने में कामयाब हुए हैं। सभी के चेहरे पर एक उत्साह का भाव है, एक संतोष का भाव है। यहां पर इन चेहरों में आप पहचान तो पा ही रहे हैं, इनमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह समझाने की और यह जताने की जरूरत जरूर है कि ये अब बधाई देने का सिलसिला चल रहा है, मिठाई खिलाने का सिलसिला चल रहा है। और चूंकि संघर्ष सड़क पर होता है तभी जाकर सत्ता मिलती है, और सत्ता तक पहुंचने के लिए आपको निरंतर अनवरत कार्य करना पड़ता है। और चूंकि 5 साल पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, और उस लिहाज से सरकार को अगर हटाकर अपनी सरकार बनाना है तो जनता के दिलों में अपनी जगह बनानी है पार्टी के लिहाज से, और वही किया भी गया बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से। एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता की जिम्मेदारी बेहद अहम हो जाती है। आप समझिए जरा, ना नहीं बुलाया जा सकता इसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के किरदार को, इसमें कोई नहीं भूल सकता राजेंद्र राठौड़ ने जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद सदन में सरकार को उस वक्त की घेरा, नहीं बुलाया जा सकता कैलाश चौधरी जो कि लगातार केंद्रीय मंत्री के तौर पर कार्य करते रहे और फिर प्रदेश में भी सक्रिय नजर आए। बाल मुकुंद चारे ने जिस तरीके से टिकट मिलने के बाद हवा महल में बीजेपी के पक्ष में हवा बनाने की कोशिश की, साफ तौर पर प्रेमचंद बैरवा, और आप देखिए वो ओलंपियन, वो पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो पूर्व सांसद जिन्होंने विधायक के तौर पर चुनौती को स्वीकार किया और एक बड़ा संदेश दिया प्रदेश की जनता को, अपने झोटवाड़ा के लोगों को और राज्य के लोगों को कि देखिए जो भी जिम्मेदारी संगठन की तरफ से मिलती है उसका निर्वहन करते हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी यहां पर देखे गए। इसके अलावा इन तस्वीरों में नहीं भुलाया जा सकता अर्जुन राम मेघवाल को, गजेंद्र सिंह शेखावत को भला किस तरीके से भुलाया जा सकता है, क्योंकि सक्रिय भूमिका अगर केंद्रीय मंत्री की किसी की सबसे ज्यादा देखने को मिली तो उसमें एक नाम गजेंद्र सिंह शेखावत का भी, वो भी लगातार राजस्थान में केंद्र की योजनाओं के जरिए और जल जीवन मिशन की जो योजनाएं थी, जल जीवन मिशन को लेकर जो घोटाले की बात सामने आई उनको लेकर मुख्य तौर पर बात रखी, और देखिए यहां पर समझाते और बताते भी हुए और फिर ये शुभकामनाएं देते हुए कि किस तरीके से ये आपको जो गद्दी मिली है ये प्रदेश की जनता की, प्रदेश की करोड़ों लोगों की जिम्मेदारियां आप याद रखिएगा। और भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री इस बात को बखूबी जानते हैं, समझते हैं, मिठाई खिलाने का सिलसिला भी जारी है। अब इसको जन्मदिन की बधाई का के तौर पर मिठाई कहिए या फिर, क्योंकि दोहरा मौका है। और ये देखिए तस्वीर अब आई है, वसुंधरा राजे भी यहां पर मुंह मीठा करने आई है, सर पर हाथ रख दिया है वसुंधरा राजे सिंधिया ने, कंधे पर हाथ रख दिया है, पुचकार दिया है और कह दिया है तो चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ खड़ी हुई हूं। यह दर्शाती है तस्वीरें कि हां संगठन सबसे पहले होता है, और ये अपने बड़प्पन को भी दर्शाते हुए भजनलाल शर्मा कि आप मुझसे बड़ी हैं, आपसे बहुत कुछ सीखा है, और सबसे पहले आप ही इस मिठाई को, इस प्रसाद को ग्रहण कीजिए और उसके बाद फिर एक एक करके सिलसिला ये लगातार चल रहा है बीजेपी के नेताओं की तरफ से, बीजेपी के दिग्गजों की तरफ से। और ये भरोसा भजनलाल शर्मा पर जो पार्टी के विधायकों ने, पार्टी की आलाकमान ने जताया है, उस पर खरे उतरने की पूरी कोशिश भजनलाल शर्मा की तरफ से की जाएगी। विश्वास इस चेहरे पर देखिए, और ये कामकाज संभालते ही पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आते हुए एक बैठक भी लेंगे कैबिनेट की। लेकिन देखिए ये अब
ताजपोशी हो चुकी है, शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है, इसके अलावा तमाम जो आज दिन के कार्यक्रम थे वो सब हो गए हैं, और उसके बाद अब जिम्मेदारी है इस काम को आगे ले जाने की, संकल्प को पूरा करने की। अब आपको बता देंगे, चूंकि सचिवालय के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी तरफ से भी मुख्यमंत्री के लिए उनके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए, उनको मुख्यमंत्री के पद पर पदभार संभालने के लिए तैयारी की गई है, वो भी जाहिर तौर पर चूंकि इंतजार कर रहे थे, तो हो सकता है कि मुलाकात उन सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारियों की तरफ से भी यहां पर होगी। लेकिन एक बार फिर से आपके सामने ये तस्वीरें, और सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष, उनके भी योगदान को कोई नहीं भूल सकता। किरोड़ीलाल मीणा, जिन्होंने पुलिस की लाठी का सामना किया, बरसात और धूप को नहीं देखा, और सड़क पर थाने के बाहर दरवाजे पर पड़े हुए खड़े हुए उन मजलूमों की आवाज बने, उन वीरांगनाओं की आवाज बने, उन जरूरतमंदों के लिए हमेशा धरने पर पहुंचे जहां पर विपक्ष की जरूरत हुआ करती थी। तो किरोड़ीलाल मीणा की बात करें या किसी भी यहां मौजूद चेहरे की बात करें, उनकी तरफ से यह योगदान दिया गया, तभी जाकर बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिला, भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। और अब इन तस्वीरों के जरिए आप एक बार फिर से देख सकते हैं कि कैसे विधि विधान से मंत्रोच्चार के बीच ये विधिवत कुर्सी संभाली है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। अरुण सिंह प्रभारी, बहुत बड़ी भूमिका प्रभारी की, सत्ता से लेकर संगठन तक कैसे जिम्मेदारी दिल्ली से लेकर राजस्थान के संगठन तक रखनी है, किस तरह की कोई अगर है आपसी मतभेद खींचतान उसको कैसे दूर करना है, कौन बेहतर काम कर रहा है, किसके काम को आगे तक ले जाने पहुंचाने की जरूरत है, और कहीं कोई ढिलाई बरत रहा है तो फिर उसकी भी फीडबैक कैसे देनी है और उसको कैसे समझाना है, ये तमाम काम प्रभारी अरुण सिंह की तरफ से बाखूबी किए गए। अब देखिए, सत्ता संभाली है, कुर्सी संभाली है, अब चाय की चुस्कियों के साथ चर्चा करने की बारी है, और ये तस्वीरें पूरे प्रदेश को, पूरे देश को दिखाने की बारी है कि भले ही यह कहा गया हो कि एक दर्जन से ज्यादा सीएम के चेहरे हैं, भले ही यह कहा गया हो कि बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी, लेकिन अब यह पुरानी बात हो चुकी है, यह इतिहास बन चुका है। आज का सच यही है कि बीजेपी के तमाम राजस्थान से जुड़े हुए नेता, जो राजस्थान में लगातार सक्रिय होकर राजनीति कर रहे हैं, जिन्होंने लगातार राजस्थान से सांसद बनकर, प्रतिनिधि बनकर केंद्र में देश के लिए सेवा दे रहे हैं, वो सब एकजुट हैं, वो सब एक साथ हैं, और एक व्यक्ति को जिसने संगठन के तौर पर, पार्टी के तौर पर, एक कार्यकर्ता के तौर पर सेवा की, उसको अगर आज जिम्मेदारी मिली है तो उसके हौसला अफजाई के लिए, उसके उत्साहवर्धन के लिए सब यहां पर मौजूद हैं, सब यहां पर एकजुट हैं, और ये एकता का संदेश देने के लिए आए हुए हैं कि हां भजनलाल मुख्यमंत्री जी, आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम लगातार आपके साथ हर वक्त राजस्थान की सेवा में तत्पर रहेंगे, चाहे बात विपक्ष के तरफ से आगे आने वाली चुनौतियों की हो, या फिर राजस्थान में सरकार के कामकाज को, बीजेपी के संकल्प को आगे ले जाने की हो, हम आपके साथ रहेंगे। अब इन तस्वीरों में दिया कुमारी जी ने भी यहां उप मुख्यमंत्री यहां पर भेंट दी, तोहफा दिया, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए ऐसा तोहफे को स्वीकार किया। एक बार फिर से ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर भी बेहद खास है। वसुंधरा राजे ने सिर पर हाथ फेरा, आशीर्वाद दिया, और फिर बड़प्पन यही होता है, शालीनता यही होती है कि आप हमसे बड़े हो, आपको देखकर हमने बहुत कुछ सीखा है, और आपका साथ हमको आगे भी चाहिए। मुंह मीठा कराते हुए यहां खुद ये अपनी आत्मीयता का परिचय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। तो ये खास तस्वीरें आज दिन की, एक वो तस्वीर जहां पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ, और दूसरी ये तस्वीर जहां पर पदभार ग्रहण किया, कुर्सी संभाली। तो दो तस्वीर आज की वो बेहद खास, राजस्थान के इतिहास के पन्नों में दर्ज होने के लिए कि 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल शर्मा आज
प्रदेश की अगुवाई करने के लिए, प्रदेश को आगे ले जाने के लिए बढ़ चुके हैं। उधर पीछे अर्जुन राम मेघवाल भी हाथ मिलाते हुए, अभिनंदन करते हुए कहते हुए कि मैं फिलहाल तो चलता हूं, लेकिन हमें मालूम है जब भी आप पुकारोगे, जब भी आप कहोगे, जैसी भी आपकी जरूरत होगी, हम हमेशा आपके साथ हैं। हम पूरी तरह से आप के ऊपर भरोसा करते हैं। बस अब आपको राजस्थान में लोगों के किए हुए वायदों को आगे ले जाना है। जो गारंटीज की बात की गई है, जो संकल्प पत्र में घोषणाएं की गई हैं, उनको धीरे धीरे करके आगे लेकर चलना है। और पूरी बीजेपी की टीम को, जो आपकी टीम यहां पर तैयार होगी, चाहे वो सरकार में मंत्री बने, चाहे वो विधायक जीत कर आए हों, किसी को भी निराश नहीं करना है। कोई भी कार्यकर्ता, चूंकि हर कार्यकर्ता बेहद जरूरी होता है, किसी भी कार्यकर्ता को जो दरी उठाता है, जो कुर्सियां लगाता है, कुर्सियां बिछाता है, जो पोस्टर चिपकाता है, हर किसी की भूमिका अहम होती है, इसलिए किसी को भी नजरअंदाज नहीं करना। प्रदेश की जनता का ख्याल रखना है। विपक्ष की भूमिका साफ तौर पर सरकार की आलोचना करने की होती है, सरकार की कमी निकालने की होती है, लेकिन आपको विपक्ष का भी ख्याल इस तरीके से करना है कि विपक्ष को यह ख्याल ना आए या विपक्ष के जहन में यह सवाल ना आए कि हम दूसरे दल से ताल्लुक रखते हैं तो आपने हमारे साथ नाइंसाफी की है। क्योंकि पूरा राजस्थान अब आपका है, पूरे राजस्थान के लोग अब आपके हैं, और जो भी योजनाएं, जो भी फैसले आपके ऐलान होने हैं, वो राजस्थान के लोगों के लिए हैं। अरबाज अहमद हमारे संवाददाता सचिवालय में लगातार मौजूद, तैनात, और जो भी अब स्थान या यूं कहें कि कुर्सी संभालने की इस पूरी तस्वीरों को देखा अरबाज के जरिए हमने यहां पर अपने दर्शकों तक पहुंचाया। फिलहाल अरबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अरबाज, ये तस्वीर उन चेहरों की, बीजेपी के ये एकजुटता दिखाने की कोशिश कि सड़क पर हमने संघर्ष किया और आज राजस्थान की जनता की सेवा करने के लिए हम सचिवालय में पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल शर्मा जी विराजमान हो चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए कि जिस तरह से जो एक लंबा संघर्ष का काल रहा पिछले 5 साल, आपने देखा कि किस तरह से अलग अलग स्थानों पर लगातार, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे महिला अपराध से जुड़ा मामला हो, चाहे जो घटनाक्रम हुए अपराध के उनको लेकर के घेराव हुआ हो, उन तमाम घटनाओं को लगातार हमने भी दिखाया और अब पूरे प्रदेश ने देखा। संघर्ष करने वाली टीम आज इस ब्लॉक के अंदर है जो पहुंची, और आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहां पर, जो स्टाफ है सचिवालय का, वो इंतजार कर रहा है कि कब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है पदभार ग्रहण करने के बाद में सीएमओ ब्लॉक से बाहर आएंगे। बाकायदा आप देख सकते हैं कि उनके पदभार ग्रहण के बाद में अब जो डिप्टी सीएम है दिया कुमारी, उनके पदभार ग्रहण की तैयारी हो रही है। जो पंडित जी वो खुद यहाँ पहुंचे, हो गया अंदर, किस तरह से करवाया आपने पदभार ग्रहण, क्या रहा खास, किस तरह का? सस्ती शांति पाठ से और सारे मंत्रों की पूजा करा के और अभिषेक किया। क्या मुहूर्त देखा गया था खास, उसकी डिटेल बताइए। 4 बजे से, 4 बजे से, और कौन कौन लोग मौजूद रहे, किस तरह से थे, सारे अधिकारी थे जी, और तो क्या खास बात थी इस मुहूर्त के बारे में थोड़ी जानकारी? मुहूर्त अभी चंचल क्या है, बढ़िया जी। तो अभी पदभार ग्रहण हो गया है प्रदेश को लेकर, क्या आगे क्या तैयारी है? दिया कुमारी जी का पदभार ग्रहण कराएंगे आप सीधे जो है। अब आप देख सकते हैं कि आपका नाम बताइए। राधेश्याम शर्मा। आप राधेश्याम शर्मा जी है जो मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करवा करके आए हैं, और ये देख सकते हैं कि आप पूरी उन्होंने बाकायदा जो प्रक्रिया है वो करने के बाद में सीधे दिया कुमारी जो है उप मुख्यमंत्री, उनके चैम्बर में पहुंचने की तैयारी है। तो देखेंगे कि आप दिया कुमारी जो है उप मुख्यमंत्री वो आ गई हैं, वो सीधे अब जो है पदभार ग्रहण करने की तैयारी करेंगी, डिप्टी सीएम ब्लॉक के अंदर पहुंचेंगे। बाकायदा जो स्टाफ है पूरा वो इंतजार कर रहा है। प्रेमचंद बेरवा जो है वो बाकायदा पदभार ग्रहण कर चुके हैं, और डिप्टी सीएम यहाँ पर सीएमओ ब्लॉक से बाकायदा गाड़ी में बैठ करके मेन ब्लॉक की तरफ जाएंगे और उनके कमरे में पहुंचेंगे। हमारी साथी वहां पर महिमा मौजूद है, वो लगातार इस सारी चीज के अपडेट देंगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो प्रोसेस है पूरा किस तरह से हो चुका है। जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो बाकायदा यहां पर पदभार ग्रहण जो है कर चुके हैं, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा उनसे पहले कर चुके हैं, अब डिप्टी सीएम जो दिया कुमारी है वो कर रही है। और जो अंदर आपने देखा कि जैसा पंडित राधेश्याम शर्मा ने बताया कि जिस तरह से खास मुहूर्त जो है 4 बजे का जो उन्हें दिया गया था उसके हिसाब से उन्होंने वो सारा किया है। आप देख सकते हैं कि है
हाथ वेव कर रही हैं बाकायदा जो डिप्टी सीएम है, और वो बाकायदा लोग जो है कर्मचारी उनके झलक पाने के इंतजार में हैं, लगातार इंतजार कर रहे हैं उनकी। काफी देर से जो है सुबह से देखा जाए तो उनका इंतजार था और आप यहाँ पर पहुंचे हैं, लगातार ये आए हैं और इस तरह से आप देखेंगे कि ये अब मुख्यमंत्री के पद को ग्रहण करने के लिए सीधे जो है उस ब्लॉक में पहुंच रही हैं जहां पर मेन बिल्डिंग में इनका कमरा बनाया गया है, वहां पर पहुंचेंगे। बाकायदा जो सचिन पायलट हैं उनके कमरे में ये बैठेंगी, पहले वो बैठा करते थे, अब सत्ता परिवर्तन के बाद में दिया कुमारी को ये है रूम दिया गया, मेन ब्लॉक की तरफ यहाँ से पहुंचेंगे और आप देखेंगे कि इनके साथ में पदभार ग्रहण करवाने के लिए बाकायदा बाकी और जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं एक एक करके। जो अधिकारियों का मंत्रियों का जो जमावड़ा है वो एक तरह से बाहर आ गया है और सभी लोग निकल करके अब सीधा रुख करने में लगे हैं जो ब्लॉक है मुख्य ब्लॉक वहां पर, और आप देखेंगे कि जिम्मेदार कर्मचारी अधिकारी लगातार इस तरफ का रुख कर रहे हैं। और बाकायदा जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी वो आ गए हैं, सौम्या गुर्जर उनके साथ में मौजूद हैं और सभी लोगों को बधाई देने का दौर जारी है। अरुण सिंह जो प्रभारी थे बाकायदा वो हाथ आप देख सकते हैं कि एक तरह से हैंड वेव करते हुए जा रहे हैं, राजेंद्र राठौड़ यहाँ पर निकले हैं, अरुण जी भाई साहब वो यहाँ पर आ गए हैं, तो ये एक पूरा वो अरुण जी भाई साहब है। सर पूरे प्रदेश के लोग बड़े खुश हैं आज पदभार ग्रहण हो मुख्यमंत्री ने शपथ ली है और जिस प्रकार से शपथ के समय जनता उमड़ पड़ी और कार्यकर्ता उमड़ पड़ा ये एक ऐतिहासिक था। कार्यकर्ताओं में उत्साह है कि हमको अब पिछले शासन से मुक्ति मिली। सबसे महत्वपूर्ण दिन था कि प्रधानमंत्री मोदी आज अल्बर्ट हॉल आए और अल्बर्ट हॉल में आकर जो जनता थी वो बड़ी भारी संख्या में जनता थी और एक जमीनी व्यक्ति भजनलाल शर्मा पद ग्रहण कर शपथ ले रहे थे। पिछला चुनाव हमने मोदी जी की नीति और मोदी जी के नाम पर जीता है और वे आज प्रत्यक्ष स्वयं यहाँ उपस्थित हुए तो कार्यकर्ताओं में जोश था और साथ में कार्यकर्ता जो तीन दशक तक लगातार संगठन का समर्पित होकर के पूरे राजस्थान के हर क्षेत्र के जो कार्यकर्ताओं से मिल रहा था, कार्यकर्ताओं के साथ जीवन संपर्क था, ऐसा व्यक्ति यदि मुख्यमंत्री की शपथ लेता है तो निश्चित कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह। आप भी गुरुजी रहे हैं अब और विधानसभा में क्योंकि आपके मामले में सब लोग बोलते हैं पूरी भारतीय जनता पार्टी में नीचे कई बार परिस्थितियां ही सही चीजों का निर्णय करवाती है। निश्चित से जैसी परिस्थितियां होंगी मेरा काम होगा कि नियमों की मर्यादाओं की और परंपराओं का पालन करवाना और उसमें जिस प्रकार की परिस्थिति बनती है उस अनुसार एक्ट करना, क्योंकि यह राजस्थान विधानसभा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गौरवशाली इसका इतिहास रहा है और यहाँ बहुत ही मनीषी इसके अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने नई परंपराएं भी डाली हैं, उन सब का बीच में साथ लेकर के सार्थक बहस हो ताकि जिस प्रकार का पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक जनता के द्वारा चुन करके आते हैं उनका काम है कि वहाँ पे जन समस्याओं को उठाएं और समस्याओं का सरकार समाधान अपने नियमों के तहत करे, इसका प्रयास रहेगा दोनों के बीच में संवाद भी बने और सार्थक बहस भी हो तो कोशिश हो कि विधानसभा का सत्र अधिक दिन चले। एक बड़ा मैसेज केंद्र की योजनाओं को मजबूती से ग्रास रूट लेवल पे अब एग्जीक्यूट किया जाए। निश्चित रूप से हम पहले से करते आए हैं, पार्टी की सोच रही है, लेकिन अब जो सरकार बनी है तो निश्चित रूप से केंद्र की योजनाएं और साथ में जनहित की जो इस नई सरकार की जो योजनाएं होंगी उनको हम धरातल पे लाकर कुछ नया बड़ा फैसला कर सकते हैं। ये हमारे मुख्यमंत्री जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि जो प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी हमसे इस तरह से बड़े खुले दिल से मीडिया से बातचीत की, बड़े तरीके से उन्होंने बताया और शुभकामनाएं जो है उन्होंने खासतौर पे न्यूज 18 को आपने दी सर शुभकामनाएं। मैं न्यूज 18 को और सबको अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। तथ्यात्मक रिपोर्ट और सबसे पहले रिपोर्ट दिखाने का काम जिस तरह से करता आया है उस तरह आगे भी करता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप विधानसभा अध्यक्ष हैं, डिसिप्लिन को लेकर के जो अरवाज आप बातचीत वहां जारी रखिए। लेकिन देखिए इस बीच जैसा अभी कुछ देर पहले आपने तस्वीरें दिखाई थी कि सीएम ऑफिस से अपने चैम्बर में जो डिप्टी सीएम के तौर पर अलॉट हुआ है दिया कुमारी जी को, यहाँ पर पहुंची हैं दिया कुमारी अपने ऑफिस में अपने कामकाज को ज्वाइन करने के लिए, अपने कारोबार को संभालने के लिए, अपनी कुर्सी को संभालने के लिए। ये तस्वीरें डायरेक्ट लाइव इस वक्त दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहले तो प्रशांत बैरवा ने माफ़ कीजिएगा
प्रेमचंद बैरवा ने अपना कार्यभार संभाला और उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अपनी कुर्सी संभाली और अब बारी डिप्टी सीएम दिया कुमारी की है। और दिया कुमारी इस वक्त अपने चैम्बर में जो डिप्टी सीएम के तौर पर जहां पर से अब वो अपना कामकाज संभालेंगी, प्रदेश की जनता के लिए महत्वपूर्ण कामों में योगदान देंगी, वो यहां आ चुकी हैं। यहां पर कुछ बात रखती हुई अपने सामने और ये बड़ी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने दिखाई दे रही हैं। और कुछ ही पलों में यहां पर भी पूरे विधि विधान के साथ वो अपने पदभार को ग्रहण करेंगी, अपनी कुर्सी को संभालेंगी। तो तीन आज शपथ हुई, एक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, दूसरी दिया कुमारी और तीसरे प्रेमचंद बैरवा। और इस बीच ये यहाँ पर तमाम जो अधिकारी वो यहाँ पर मौजूद। देखिए ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो फूलों का गुलदस्ता लेते हुए, जो सचिवालय के अधिकारी हैं गुलदस्ता लेते हुए बधाई देते हुए डिप्टी सीएम दिया कुमारी को, दिया कुमारी भी अभिनंदन करते हुए, सबका स्वीकार करते हुए अभिनंदन, सबका सबकी शुभकामनाओं को स्वीकार करते हुए। तो सच